बंदर के हाथ में लड्डू नहीं मिल जाता है या फुर्सी, तो नोच नोच के घाव बना देता है, उसका खामियाजा देखिए किसी को तो भोगना होगा। लेकिन दोनों के पास अपना ना कोई विचारधारा है ना और कोई सामाजिक ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। एनडीए और महागठबंधन की अगर बात करें तो कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को बाय बाय कर दिया है, तो दूसरे तरफ एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो चिराग पासवान को लेकर सियासत गर्म है। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की, उसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राजद पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई, वही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजद को भी बख्शा नहीं। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, जरा आप वो सुनिए। समय पर आपको सब हमारे डेमोक्रेटिक अलायंस आपको बड़े व्यापक होंगे, कल भी आपको निमंत्रण देंगे, परसों भी देंगे, लगातार अभी आपको निमंत्रण है मेरा और अंतिम में सब कुछ सामने होगा, चेहरा के साथ लड़ेंगे। महागठबंधन को कहावत है सबको निकालते निकालते खुदे अकेले नहीं बचता है गाँव घर में, कौन कहावत दुनिया वाला, एको हम दो क्यों नास्ती भस्मा सुर है, बंदर के हाथ में लड्डू नहीं मिल जाता है या फुर्सी, तो नोच नोच के घाव बना देता है। अब लालू यादव जी लड्डू थमा दिए, उसका पते दे नारियल, तो आप उस पर कुछ नहीं कहना। जब लालू यादव ही बेचारा महागठबंधन से अलग हो गए और सबको रास्ता दिख गया, अब कांग्रेस को औकात बताई जा रही है, अब कब तक कांग्रेस इंतजार करेगी, ये तो कांग्रेस कोई प्रॉब्लम है, हम सबसे बात करें, अब बात करेंगे नहीं करते रहे, कल भी किए परसों भी किए आज भी किए आगे भी करेंगे। एनडीए और यूपीए को रोकने के लिए जो एक ही थाली के चटे बटे हैं, एक इलेक्ट्रॉल अलायंस के पहले एक आफ्टर इलेक्ट्रॉल, बीजेपी के साथ दोनों का अलायंस हो चुका है आफ्टर एंड बिफोर, तो बिफोर कौन आफ्टर कौन, तो इस अलायंस को रोकने के लिए हिना ये बड़े बड़े पीडीए बनी और सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिस पर बिहार का भरोसा हो। कुशवाहा साहब का तो हम कल भी स्वागत किए, उन्हें बिहार बचाने में हर उन लोगों का हम स्वागत करेंगे जो लोग मजबूत संकल्प के साथ हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर आगे बढ़े। राजद नेता का ये कहना कि कुशवाहा कोई बिहार में अपना अस्तित्व नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, कितना उचित समझते हैं सर इतना का बयान? तो भैया लोकसभा चुनाव में 5 सीट तो राजद ही लिए थे, क्या बात और अभी तक तो भूदेव चौधरी युवा अध्यक्ष को कितना अपमान किए, यही राजद वाले कभी सपुनी चौधरी को कभी उपेंद्र कुशवाहा जी को कभी भगवान सिंह कुशवाहा को, दोनों उन्होंने भी कुशवाहा को सबसे ज्यादा कुशवाहा को किसी ने अपमानित किया वो नीतीश कुमार जो अपना बपोती समझते हैं कुशवाहा समझ, ऐसा नहीं, और उस दोनों भाई हमेशा गगरा का बैगन समझे, इसीलिए हर आदमी का अस्तित्व है
ये राजद की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा। देखिए सीट जितना भी दे क्या दे उस पर तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रामविलास पासवान जी को अपमानित किया नीतीश कुमार ने, उसका खामियाजा नीतीश जी को तो भोगना होगा। वो वेंटिलेटर पर उठा रहे कि मुझको कुछ पता नहीं कहाँ है और कौन वेंटिलेटर पर। तो ये इस बार नीतीश जी मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गया, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। कभी माझी जी को लात मारना, कभी रामविलास जी को, कभी उदयनारायण चौधरी को, कभी रमै राम को, कभी श्याम रजक को, तो इसका पता चल जाएगा। आज इतना सोचिए ना, नीतीश के पास अपना कोई नहीं है, कांग्रेस से लाए हुए आदमी को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे, राजद को भी अपना कोई नहीं है, भूदेव चौधरी रासोरोपा से लाए हुए को एक घंटे में उपाध्यक्ष। तो इससे पता चल जाता है कि इन दोनों के पास अपना ना कोई विचारधारा है ना और कोई सामाजिक ताकत। तो आपने सुन लिया, पप्पू यादव जो साफ तौर पर राजद पर निशाना साधते दिख रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर राजद के तरफ से लगातार बयान जिस तरीके से आ रहे थे, आज उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को बाय बाय कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नीतीश कुमार और एनडीए की हम बात करते हैं, तो चिराग पासवान को लेकर पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगी। जिस तरीके से रामविलास पासवान की तबीयत बिगड़ी है और नीतीश कुमार की तरफ से यह बयान आता है कि वो कुछ नहीं जानते, इसको लेकर पप्पू यादव खरी खोटी सुना रहे थे। लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, पटना। बंगाल के हाथ में लड्डू नहीं मिल जाता है या फुर्सी, तो नोच नोच के घाव बना देता है, उसका खामियाजा नीतीश जी को तो भोगना होगा। इन दोनों के पास अपना ना कोई विचारधारा है ना और कोई सामाजिक ताकत।